जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय शिवराज। दोस्तों तो कैसे हो आप लोग? और दोस्तों सबसे पहले तो माफ़ी मांगना चाहूँगा कि एक महीना हो गया और मैंने मेरा ब्लॉग डाला नहीं था। आज एक महीने के बाद मैं ब्लॉग डाल रहा हूँ और एक महीने के बाद ही अपनी शैडो के पास आया हूँ। और रही वीडियो की बात, भाई वीडियो में बना ही नहीं सकता था क्योंकि उसका रीज़न आपने मेरा एक ब्लॉग देखा रहेगा कि दिवाली के दिन का आपने ब्लॉग देखा रहेगा, तब मैंने मेरा बाइक निकाला था। उसके बाद डायरेक्ट बाइक में आज निकाल रहा हूँ, मतलब आज मुझे लगता है 2 या 3 तारीख कुछ तो है, डेट मुझे अभी याद नहीं है क्योंकि इतना दिन घर पे ही था तो यार क्लिक नहीं हो रहा है क्या, मतलब लगभग एक महीना पकड़ लीजिए। उसके बाद मैं डायरेक्ट आज बाइक को मतलब बाहर इधर निकाला हूँ साइड में, क्योंकि यार बोलते हैं ना व्लॉग बनाने का बहुत इच्छा था क्योंकि एक महीना मैंने व्लॉग डाला नहीं था। तो आज का वीडियो आखिर तक देखिए, कुछ जानकारी देने वाला हूँ क्योंकि अपने RS को होने वाले है 3 साल कंप्लीट अगले महीने में, जैन में भी नहीं फेब में, और 2 महीने बाकी है, कमिंग सून है, मैं ही भूल गया था। तो फेब्रुवरी में तीन साल होने वाले। तो गाइज यार कुछ बातें, अगर आप RS 200 ले रहे हो तो आपको थोड़ी बातें बताना चाहता हूँ, तो वीडियो आखिर तक देखिए। अगर आप भी RS 200 BS7 लेना चाहते हो नया वाला, तो यार ये वीडियो आखिर तक देखिए आप। दोस्तों अपनी बाइक को अभी लगभग 2.5 साल कंप्लीट हो चुके हैं और 3 साल अभी जल्दी कंप्लीट होने वाले हैं फेब्रुवरी में। तो अगर आप RS 200 ले रहे हो तो थोड़ा बैकग्राउंड थोड़ा नॉइज दोस्तों रहेगा क्योंकि बाबाजी में क्रिकेट खेल रहे हैं और थोड़ा अभी बिल्डिंग के अंदर ही, क्योंकि मैं बाहर जा नहीं सकता क्योंकि थोड़ा बाइक चलाने का प्रॉब्लम है, आपको पता ही, आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, पहले तो मेरा उंगली फ्रैक्चर हो गया था, ये देखिए, मतलब तीन घंटा भी घर पे नहीं बैठने वाला लड़का जब एक महीना घर पे बैठा है तो भाई क्या असर होता रहेगा माइंड पे। एक्चुअली मेरा उंगली टूट गया था, क्रिकेट खेल रहा था मैं, क्रिकेट के वजह से हुआ था मेरा, क्रिकेट खेलते खेलते मेरा उंगली टूट गया था, जो ये वाला उंगली है वो टूट के ये साइड में आ गया था, तो बहुत बड़ा क्रैक था। तो वो फील होने के लिए पूरा प्रॉपर एक महीना देना पड़ा मुझे, मैं बेड से हिला ही नहीं था। तो बाइक भी से नहीं गिरा भाई मैं, क्योंकि अपने RS पे अपनी जान है, वो अपने को गिरा थी नहीं है। ये आपको एक बात बोलता, अगर आपको आपके बाइक से प्यार है ना तो यार आपकी बाइक आपको कभी गिराएगी नहीं। पहली बात तो ये है कि अटैचमेंट रहता है अपने बाइक से, और मैं पूरा बोलते हैं ना ग्लव्स वगैरह हेलमेट वगैरह करके राइड पे भी निकलता था, आपने देखा रहेगा, हेलमेट तो मेरा रहता ही था। तो भाई किधर लगा रहे, नहीं तो कमेंट सेक्शन में आके आप बोलोगे कि यार तो बाइक से गिरा करके, बाइक से नहीं गिरा क्रिकेट खेलते वक्त गिरा। ठीक है, तो मुद्दे पे आते हैं। अभी पहले तो अपने RS दिखेगा, चमचमा रही है, आपने देखा विल कवर भी लगा हुआ है, विल कवर शैडो राइडर पीछे नाम लिखा है, पहले आगे विल कवर लगाया था मैंने, बट वो थोड़ा आगे जब मैं गांव जा रहा था तब एक खड्डे में पंप होके विल कवर टूट गया था, तो इसके वजह से मैंने आगे का विल कवर निकाल दिया और पीछे ही विल कवर है अभी। तो कुछ छोटे मोटे अपडेट्स मैंने सिर्फ RS में किया करा है अपने, क्योंकि रीजन ऐसा था कि मुझे ज्यादा बाइक ओपन करनी नहीं थी, मतलब क्योंकि अगर आप ज्यादा RS का एक प्रॉब्लम है दोस्तों कि अगर आप उसको कोई भी मॉडिफिकेशन करने के लिए, दोस्तों देखिए अगर आप आपके RS 200 को मॉडिफाई करना चाहते हो तो सिंपल सी बात आपको बताऊंगा मैं कि कुछ प्रॉब्लम्स है वो आपसे पहले शेयर करूंगा, और 5 ऐसी बातें बताऊंगा कि जिससे आपको बाइक लेनी चाहिए, और 5 ऐसी बातें बताऊंगा आपको जिससे आपको बाइक नहीं लेनी चाहिए। अगर आप 5 चीज़ें को कौन सा आपके ऊपर है भाई कि आप कौन सा क्या फॉलो करना चाहते हो, क्योंकि यार 5 रीज़न इतने मतलब बोलते हैं ना बड़े रीजन्स नहीं है तो आप इसको डेफिनेटली बाइक कर सकते हो। पहली बात तो ऐसा नहीं है कि मेरे पास RS है इसलिए आपको मैं बोलूंगा यार RS अच्छी है, ऐसी बात नहीं है। इसका दोस्तों पहले प्रॉब्लम्स बताऊंगा आपको कि पहला जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, मैं मॉडिफिकेशन के लिए कुछ भी जाता हूँ ना दोस्तों, तो इधर आपको दिखाता हूँ, ये देखिए आप ये देख सकते हो कितना कितना बड़ा गैप गिरा है, ये देखिए फेयरिंग में बहुत ज़्यादा गैप आ चुका है, देखिए ये गैप इधर से पूरा टाके का ये गैप, और ये देखिए ये गैप्स देखिए, ये गैप्स देखिए इधर और इधर, इधर भी थोड़े थोड़े गैप्स बढ़ गए, ये जो गैप्स दिख रहे हैं पहले नहीं थे इतने, और ये देखिए ये गैप्स दिख रहा है आपको, ये वाले गैप्स, ये बहुत गैप्स आते हैं दोस्तों। अगर आप फेयरिंग वाला कोई भी गाड़ी ले रहे हो, खास करके RS 200 या R15 वगैरह कुछ भी आप ले रहे हो, तो ये गैप्स आपको देखने के लिए मिलेगा, बहुत ज़्यादा गैप्स है, देखिए इधर भी बहुत ज़्यादा गैप है, ये मतलब फेयरिंग गैप बहुत ज़्यादा आते हैं। तो इसको ओपन करने के लिए, तो दोस्तों इसको ओपन करने के लिए बहुत टेंशन हो जाता है भाई, कि इसको अगर ओपन कर रहे हो आप तो बाद में ना ऐसे छोटे मोटे गैप ओपन हो जाते हैं, और ये जो वाइजर है आगे जो वाइजर लगाया मैंने वो वाइजर बहुत आवाज करता है भाई,
हाई स्पीड पे बहुत आवाज करता है, तो उसका नट लूज होते रहते हैं बार बार, तो आपको अगर आप कोई मॉडिफाई मतलब कोई भी वाइजर के इसमें कराना चाहते हो तो आप सोच समझ के कर रही है ब्लैक वाइजर लगा रहे हो तो कि भाई आपका वाइब्रेशन आना ही है वो वाइजर में से। और सेकंड बात दोस्तों, थोड़ा लंगड़ लंगड़ के चल रहा हूँ मैं, आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि सबसे बड़ी तकलीफ जो मैंने नोटिस की है आरएस में, सबको प्रॉब्लम होता है इस चीज़ का, ये देखिए ये चीज़ मुझे प्रॉब्लम नहीं होता बट ये मुझे पूछा गया था, बोला गया था, इसलिए मैं आपको ये शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। आपको होती रहेगी कि नहीं पता नहीं, मुझे नहीं होती क्योंकि मेरे पीछे ज़्यादा कोई बैठता नहीं है, मेरे घर पे एक्स्ट्रा स्कूटी है तो मेरे मम्मी डैडी को मैं इसके ऊपर घुमाता हूँ कभी इसके ऊपर अनकम्फर्टेबल हुआ तो। और इसके वजह से थोड़ा ये गैप के वजह से प्रॉब्लम्स होते हैं कि हाथ अब दिखा दो आपको, ये जो उंगली है ना ये इधर फंस जाती है, ये देखो उंगली इधर फंस जाती है तो लगता है इधर बहुत कि यार मतलब जोर से ना उंगलियों में इधर रैशेस वगैरह हो जाते प्रॉपर, तो भाई दर्द होता है, वो दर्दनाक होता है इतना, पर मुझे प्रॉब्लम नहीं पड़ता क्योंकि मैं बैक सीट पे मेरे बैठता ही नहीं है, और मैं गया था तभी बैठा था तभी मुझे कोई प्रॉब्लम था नहीं क्योंकि आपको पैर लॉक करके बैठने पड़ते हैं, सिंपल शॉट है, पैर लॉकिंग जो सिस्टम है आपको बैठे डबल सीट में वैसे आपको बैठना पड़ता है, तो ये प्रॉब्लम लगता है लोगों को बट मेरे लिए नहीं है। आप देखो आपके लिए आप क्या सोच रहे हो इसके मामले में, सॉफ्ट दो प्रॉब्लम मैंने आपको बताया, अभी तीसरा एक बड़ा प्रॉब्लम बताऊंगा आपको यहाँ पे आ जाइए, ये देखिए ये मिरर है, इसको ना मिरर को यूजलेस मिरर बोलेंगे, यूजलेस मिरर क्योंकि भाई ये ओपन होते हैं, इसका ओपन व्यू जो है वो कुछ नहीं आता भाई, तो मतलब बोलते हैं ना अगर आप इसको ओपन करके हाईवे पे चला रहे हो ना कोई यूज़ नहीं है उसका, मतलब बहुत कम दिखता है यार व्यू बहुत कम आता है मिरर से, तो अगर आप ये मिरर आपको लगते ही है तो अगर आप हाईवे पे राइड कर रहे हो तो आपको जो व्यू आने वाला है दोस्तों, अगर आप हाईवे पे राइड कर रहे हो ना तो यार इतना ध्यान रखिए कि मिरर आपके कोई भी काम का आने नहीं वाला है क्योंकि यूजलेस मिरर है, मुझे तो कभी यूज होता नहीं है इसे, मैं उसको बंद ही रखता हूँ, मैंने आप व्लॉग में भी देखा रहेगा मैं कभी कभार ओपन करता रहेगा राइट साइड का, ना तो ओपन भी नहीं करता मैं, तो यूजलेस मिरर ये तो बात बिल्कुल मुझे अच्छी नहीं लगी। और अभी आते हैं दोस्तों फोर्थ पॉइंट के ऊपर, और एक दोस्तों बड़ा पॉइंट है वो पॉइंट आपको मैं बताना चाहूंगा कि पहली बात तो आरएस में जो मीटर आता है आपको पता ही रहेगा, मीटर दिखा देता हूं आपको एक बार, ये देखिए ये जो मीटर आता है ये सेमी डिजिटल आता है, बट ये मीटर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है मीटर से, बट बहुत जन को ऐसा होता है कि इतना अपन पैसा डाल रहे तो मीटर डिजिटल फुल्ली डिजिटल आना चाहिए ना, गियर इंडिकेटर है, मेरे BS6 में गियर इंडिकेटर नहीं था, BS7 में आ चुका है, बट जो हम लोग का क्या भाई हम लोगों ने लिया था हम लोग को नहीं मिल रहा है, तो अभी आ गया BS7 में, अभी अपडेट आया है उसमें अभी गियर इंडिकेटर आ चुका है, तो आपको टेंशन लेने की बात नहीं है, पर वो ऐसा छोटा सा दिया है साइड में उसका कोई टेंशन नहीं है, आपको दिख जाएगा गियर कौन सा है क्या नहीं है। और रही दोस्तों मेन पॉइंट, अभी पांचवा चौथा पॉइंट आपका क्लियर हो गया कि मीटर ये बड़ा पॉइंट था, तो भाई किस किस को प्रॉब्लम होता है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका आप देख लो कि आपको कैसे आपके मतलब बोलते हैं ना आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको क्या सही लग रहा है वो। अभी आते दोस्तों लास्ट पॉइंट के ऊपर कि भाई इसका सबसे बड़ा मुझे एक मिस सबसे गंदी चीज़ लगी वो है इसमें स्लीपर क्लच का ना होना, क्योंकि आप R15 देखा रहेगा आपने, R15 में भी स्लीपर क्लच आता है, बट ऑप्शंस तो आते हैं उसमें कि ले सकते हैं कि नहीं अपने ऊपर है, बट इसमें तो ऑप्शन भी नहीं दिया कि स्लीपर क्लच, क्योंकि दोस्तों मैं जब लदा गया था तभी वो टाइम पे मेरा 3 बार क्लच पेट उड़ चुकी थी, 3 बार मैंने क्लच पेट का काम किया था, उसका बड़ा रीज़न तो था कि रस्ते तो उधर के थे ही, बट सीन ऐसा था दोस्तों कि मेन बात स्लीपर क्लच नहीं था, तो उसके वजह से बहुत प्रॉब्लम है राइड में। तो यार आरएस वाले मतलब बजाज के पास अगर कोई वीडियो देख रहा है तो भाई एक आपसे विनंती करना चाहूंगा कि भाई इसमें स्लीपर क्लच जल्दी से जल्दी अपडेट कर दो, ये बड़ा पॉइंट है, ये पॉइंट मैं खुद मतलब बोलते मिस करता हूँ कि भाई स्लीपर क्लच देता तो अभी मजा आता बाइक चलाने में। तो ये दोस्तों 5 पॉइंट हो गए जो इसको ना ले मतलब आप नहीं ले सकते ये सब चीज़ें सोच के आप। अभी आते कि आरएस को क्यों लेना चाहिए आपको, पहला सबसे बड़ा पॉइंट है जो 200cc में आता है प्राइस रेंज, क्योंकि इसका जो प्राइस है R15 MT15 जितने भी बाइक्स है जितने भी रेंज के बाइक्स है वो बाइक्स में ये और बजाज की जो बाइक्स है वो बहुत कम प्राइस पे आती है। ये देखिए ये इतना ऐसा लुक के साथ दोस्तों, आप एक बार लुक देखिए सामने से कि मैंने मेरी गाड़ी कितनी मेंटेन रखी है अभी तक, मतलब गाड़ी के ऊपर मेरा बहुत ज़्यादा खर्चा करता हूँ मैं, क्योंकि भाई गाड़ी ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर खर्चा करना पड़ता है आपको,
और रही इसका इसका जो आते हैं अभी मेन पॉइंट, इसका सर्विसिंग कॉस्ट क्या है। तो सर्विसिंग कॉस्ट जो है उसका बहुत ही कम है। पहली बात तो आपके चलाने के ऊपर है कि आप इसको बाइक कैसे राइड कर रहे हो, इसके ऊपर मेन पॉइंट है कि आप कैसे इसको चला रहे हो, उसके हिसाब से आपको सर्विस मतलब जो भी कॉस्ट होएगा वो इसके हिसाब से आएगा आपको। तो अगर आप प्रॉपर चला रहे हो, ज़्यादा आप बड़ा लॉन्ग राइड नहीं मार रहे हो, तो आप पकड़ के चले 1000 रुपये के अंदर आपका सर्विस हो जाएगा। अगर आप ऑयल अच्छे दर्जे का डाल रहे हो, मोटूल का अगर आप अच्छा वाला ऑयल डाल रहे हो, तो 1200 वाला ऑयल अगर आप डाल रहे हो, क्योंकि मैं 1200 वाला ऑयल डालता हूँ मोटूल का, तो इसके वजह से मेरा 2000 तक खींच जाता है सर्विसिंग। तो वो इतना माइंडसेट मैंने करके रखा है। बट ठीक है, 200 cc ले रहे हो अगर आप, तो 2000 इन्वेस्ट करना महीने में, मतलब तीन महीने में मैं सर्विसिंग करता हूँ, 2-3 महीने में, क्योंकि मैं थोड़ा अच्छे से ही बाइक चलाता हूँ। और अभी रही दोस्तों एक मेन बात कि ये बात के ऊपर से मेरी फेवरेट बाइक क्यों बनती है। इसका दोस्तों सबसे बड़ा पॉइंट है एवरेज। इसका मतलब 200 cc बाइक ले रहे हो तो एवरेज देखना नहीं चाहिए, क्योंकि यार सिटी विटी में आपको पता है कि कुछ देती नहीं रहेगी। बट सिटी में भी मुझे अभी के इसमें मतलब 2.5 साल के बाद भी मुझे 28 से लेके 29 तक का एवरेज, 30 नहीं देती अभी सिटी में, 30 नहीं देती, पहले देती थी, बट अभी 28-25 ये रेंज में मुझे एवरेज देता है, मिलता है। और अगर आप लॉन्ग राइड के लिए जा रहे तो भाई पूछो मत, 35 से लेके 40 तक भी मुझे एवरेज मिल जाता है। मतलब 40 तो बहुत रेयर मिलता है, क्योंकि भाई मैं आराम से बाइक चलाता हूँ, हाईवे पे मैं भगाता रहता हूँ, 100+ स्पीड रहता है मेरा, आपको पता रहेगा, आपने देखा रहेगा। तो अगर आप 100 के अंदर चला रहे हो, 80-90 पे चला रहे हो, तो आपको अच्छा खासा एवरेज इसमें देखने को मिल जाएगा 35 से लेके 40 के बीच में। 40 नहीं मिलेगा प्रॉपर, बट हाँ 35 से 40 के बीच में आपको 200 सीसी गाड़ी एवरेज दे रही है। और क्या चाहिए आपको, ये सबसे बड़ा पॉइंट है इसका। और अभी दोस्तों और एक बात, एक मेन बात है वो आपको लास्ट में बताऊंगा कि पब्लिक को पब्लिक ये गाड़ी लेती क्यों है, और मेरा वाला बाइक मैंने सिर्फ उसके लिए वो क्रेज के लिए मैंने लिया था। तो अभी इसका दोस्तों सीटिंग पोस्चर, जो इसका आप सीटिंग पोस्चर देख सकते हो, अभी तो इसका कुछ नहीं देख सकते हो, ये मैंने चेंज किया है, बट इसका सीटिंग पोस्चर है दोस्तों बहुत ही स्ट्रेट है। मतलब जो अगर आप सोच लो, जो नया वीडियो देख रहे हैं मेरा, उन लोगों को लिए बोल देता हूँ कि भाई लद्दाख के लिए हम लोग डबल सीट गए थे इसके ऊपर, तो डबल सीट में भी अगर वीडियोस नहीं देखा रहेगा आपने लद्दाख के, तो देख के आओ एक बार। डबल सीट गए थे इसी की बाइक के ऊपर, पब्लिक शॉप थी, पीछे पूरा लोडेड था, पीछे मैंने एक्स्ट्रा ये पीछे हाफ पे मैंने एक्स्ट्रा रॉड अटैच कर दिया था सामान रखने के लिए। आप मेरे वीडियोस और इंस्टाग्राम पे देख सकते हो कि डबल सीट हम लोग फुल्ली लोडेड कैसे गए थे, वो भी आर एस के ऊपर। मेरा ड्रीम बाइक था कि लद्दाख प्लेस पे मैं ड्रीम बाइक से जाऊँ, तो वो मैंने पूरा कर दिया था। अभी उसको भी 1 साल हो गया लगभग, हमें लद्दाख जाके आए हम लोग। तो ये एक सबसे इसका बेनिफिट है कि भाई इसका दोनों भी सीटें बहुत अच्छा कंफर्टेबल आता है। थोड़ा बहुत मैंने मॉडिफिकेशन किया था कि कुशनिंग थोड़ा सॉफ्ट करके दिया था मैंने, और पीछे और आगे दोनों में भी। और दोस्तों अभी एक पॉइंट है इसका कि इसका जो ब्रेकिंग सिस्टम है वो, क्योंकि दोस्तों पर्सनली मुझे RS 100 का ब्रेकिंग सिस्टम जो है बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ABS जो है बहुत एक्यूरेट वर्क करता है इसका। अगर आप मतलब बोलते हैं ना, ABS में कभी कभी प्रॉब्लम आते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि अगर आप हाई स्पीड पे हो और आप अगर ब्रेक दबा रहे हो एकदम से, तो ऐसा नहीं कि आपको धोखा कभी नहीं देगा, बट स्टिल बाइक एकदम जगह पे खड़े हो जाती है। और मतलब आप सोचोगे यार इतना एक्यूरेट ब्रेक RS 100 के बहुत अच्छे लगते हैं यार, तो ब्रेकिंग के मामले में बहुत अच्छी बाइक है। अभी दोस्तों मेन और आखिरी लास्ट पॉइंट आपको बताता हूँ मैं, कि ये बाइक का रेस्क्यू है इतना, आपको पता है मैं क्या करने वाला हूँ। तो एक बार देख लो आप कि क्या आपको इसका एक जो बड़ा पॉइंट है, ये दोस्तों इसका एक बड़ा पॉइंट है कि इसका जो साउंड है, आपको कोई भी मॉडिफाई करने की जरूरत नहीं पड़ती, जो है उसका रॉ साउंड है। तो यार आपको एक्स्ट्रा पैसा इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है इसके एग्जॉस्ट के लिए। तो एक्रोपॉइक वगैरह बहुत एग्जॉस्ट आते हैं जो मेरे दोस्त लोग लगाते हैं, बट R1 वाले वगैरह लगाते हैं, MT15 वाले भी लगाते हैं, बट ये प्राइस रेंज में आपको ये साउंड क्वालिटी आपको देखने के लिए मिलता है। और जैसे जैसे आपका बाइक ओल्ड होता जाएगा, आवाज और खुलता जाएगा इसमें, तो एक मजा है साउंड का। तो ये सबसे बड़ा पॉइंट है, मेरा फेवरेट बाइक बनता है। तो दोस्तों देखिए जितने पॉइंट है मैंने कवर कर दिए थी, मैंने मॉडिफिकेशन में ये LED लाइट लगाई थी एक साइड की, मेरी अभी उड़ चुकी है, और ये जो रिंग लाइट है। अभी के वीडियो में आपको इतना ही बताऊंगा मैं, और अभी मेरे जल्दी डेली व्लॉग आने वाले, क्योंकि इसके वजह से आपको पैर एक बार और दिखा देता हूँ। ये देखिए कि क्या ही हो गया था, ये जो उंगली दिख रहा है टूट के ये साइड में चला गया था। तो भाई
बहुत खतरनाक सीन हो गया था, तो इसलिए एक महीना मैं व्लॉग डाला ही नहीं था। बट अभी डेली व्लॉग आएंगे अपने, और जैसे आपको राइडिंग के वगैरह व्लॉग तो मैं थोड़ा लेट चालू करूँगा राइडिंग के व्लॉग, फिलहाल तो आपको जो भी बाइक का जो भी डिटेल्स वीडियो है जल्दी लाऊंगा। और NS का भी आपके लिए मैं BS7 का भी एक अलग से मैं वीडियो लाऊंगा NS के लिए, तो भी NS लवर्स है यार जाके पहले फैमिली में ऐड होना भूलना मत। तो ये था आज के वीडियो में, वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए अपने चैनल को, और यार प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। तो ये लुक देखे भाई एक बार, तो जो भी जुने लोग हैं उनसे मैं माफ़ी मांगना चाहूँगा कि इतने दिन से यार व्लॉग अपना रुका हुआ था, अभी डेली व्लॉग आने स्टार्ट होने वाले हैं भाई। तो यार स्टे कनेक्टेड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय शिवराय।